झारखंड की सियासत की बात की जाए तो झारखंड की सियासत में दूसरे दिन भी रघुवर दास को राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा होती रही। तरह तरह के रिएक्शन आते रहे। विपक्ष ने बड़ा ही तंज कसते हुए कह दिया था कि भरी जवानी में उन्हें आडवाणी बना दिया गया। विपक्ष का काम है तंज कसना, आलोचना करना। लेकिन गठबंधन सहयोगी आजसू ने भी रघुवर दास को राज्यपाल बनाए जाने के फैसले की सराहना की है और उन्हें बधाई दी है। इसके भी सियासी मायने हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो रघुवर दास और सुदेश महतो यानी बीजेपी और आजसू के रिश्ते सामान्य नहीं रह गए थे। जो एक पुराना, सालों पुराना जो गठबंधन था, वो गठबंधन वहीं इसी दौर में आकर टूट गया। और कहीं ना कहीं इसके लिए रघुवर दास के अड़ियल रवैये को आजसू ने जिम्मेदार ठहराया था। इशारों ही इशारों में कई बार आजसू ने एहसास दिलाया था कि रघुवर दास की वजह से ही, उनके रवैये की वजह से यह गठबंधन टूटा है। तो अब जब रघुवर दास की सियासत से विदाई हो गई, उन्हें संवैधानिक पद पर आसीन कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आजसू के अंदर भी इस बात को लेकर थोड़ी खुशी होगी कि अब बीजेपी में अब रघुवर दास का दौर नहीं रहा या रघुवर दास की नहीं चलेगी, क्योंकि कड़ी हुई यादें भी उन्हीं से जुड़ी हुई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शाहनवाज, आपने आज सुदेश महतो, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, तो क्या कुछ तथ्य सामने आए और क्या कुछ लगा? बिल्कुल, आज उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की, खास करके जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, उनको जिस तरह से उड़ीसा राज्य का राज्यपाल बनाया गया है उस पर उन्होंने संतोष जताया और खुशी जताई, और ये बताने की कोशिश की कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है और जो उनका एक्सपर्टाइज है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है और लाभ जो है वो उड़ीसा के लोगों को मिलेगा। और जाहिर सी बात है, एक सहयोगी दल के तौर पर उन्होंने खुशी का इजहार किया है। साथ ही कहीं ना कहीं सुदेश महतो ने यह भी बताने की कोशिश की कि किस तरह से पिछले करीबन 4 वर्षों से जो है नेता प्रतिपक्ष का जो मुद्दा है उसको लंबित रखा गया और ये किस तरह का कल्चर है जो सत्ता पक्ष के लोग अपना रहे हैं, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने अमर बाउरी का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह से उनको अब बनाया गया है, हालांकि ये काम पहले हो जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने एक और जिक्र किया, ये भी बताने की कोशिश की कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 ED का समन मिला, उसके बाद वो कानूनी दावपेच में फंसे हुए हैं, उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और जो आरोप लगे हैं उसका जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर है। आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लिहाजा अगर उसका वो जवाब दें और उचित प्लेटफॉर्म पर जवाब देंगे तो जाहिर से बात उसका समाधान निकलेगा। तो इन तमाम चीज़ों को जिक्र उन्होंने किया और एक जो मौका था वो खासतौर पर ये था कि जो पूर्व IAS अधिकारी हैं ब्रजमोहन सिंह, वो आज अपने समर्थकों के साथ आंसू का दामन थाम लिए हैं और जाहिर सी बात है एक के बाद एक जिस तरह से विभिन्न तबकों से, विभिन्न वर्गों से और विभिन्न दलों से लोग आंसू का दामन थाम रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सुदेश महतो काफ़ी खुश हैं और ये बताने की भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आजसू का जो आकर्षण है वो तमाम दलों में और तमाम लोगों में बढ़ा है। जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं चुनावी तैयारी के मद्देनज़र है और उनको भी पता है कि अगले साल जो फर्स्ट हाफ में ही आपको पार्लियामेंट्री इलेक्शन और साल के अंत में असेंबली इलेक्शन फेस करना है, लिहाजा उसकी ज़मीनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन उससे पहले उन तमाम चीज़ों पर वो नज़र बनाए रखे हुए हैं, जिस तरह से उनके सहयोगी दल जो BJP है उसमें किस तरह से संगठनात्मक फेरबदल हो रहा है, किस तरह वहाँ तब्दीली आ रही है उसकी भी चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो आरोप लग रहे हैं उसकी भी चर्चा करते हैं, साथ ही संगठन की मजबूती को लेकर भी बात करते हैं। जी बिल्कुल शाहनवाज, रघुवर दास के मसले पर आजसू ने बड़ी नपी तुली प्रतिक्रिया दी है, क्या लगा बातचीत से? सुदेश महतो बिल्कुल बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, बहुत कम अल्फाज उन्होंने कहा, लेकिन जिस तरह से उनका हाव भाव और जो उनका गेस्चर था, जो उनका फेशियल जो एक्सप्रेशन था, वो कहीं ना कहीं जताने की भी कोशिश कर रहे थे और जाहिर सी बात है तमाम लोग जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि रघुवर दास की जो राजनीति है वो झारखंड में ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में कहीं भी नहीं रह पाएंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसे एक पुराने नेता जिनके साथ सुदेश महतो लंबे समय तक काम किया है, तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश है कि किस तरह से उनका राजनीतिक तौर पर अब, जिसे JMM कहती है कि जो राजनीतिक तौर पर रघुवर दास का विस्थापन हुआ है, पॉलिटिकल विस्थापन हुआ है। शाहनवाज, लेकिन बड़े ही कड़वे रिश्ते रहे थे सुदेश महतो रघुवर दास के, इनका जब मुख्यमंत्री काल था तो उस वक्त भी मुलाकातें काफी कम हुई थी कभी चर्चा में, और लास्ट में तो कड़वाहट सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर इस कदर आ गई कि गठबंधन ही तोड़ना पड़ गया था। तो कहीं ना कहीं आजसू ने खुलकर अपनी भड़ास भी निकाली थी, ऊपर शिकायत भी यही की थी कि रघुवर
दास की वजह से गठबंधन टूटा है, तो लगता है कि अब आने वाले दिनों में आजसू और बीजेपी के बीच की बॉन्डिंग और बेहतर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, सुदेश महतो जब 3 दिवसीय महाधिवेशन कर रहे थे पार्टी का, उस दौरान ही उन्होंने साफ तौर पर कह दिया गया कि आगामी चुनाव जो है पार्टी वो कोलिशन के साथ जाएगी, गठबंधन के साथ जाएगी। तो वो तो बिल्कुल साफ है, वो पार्टी बिल्कुल मन बना चुकी है हमको गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। जहाँ तक एक्टिव पॉलिटिक्स से रघुवर दास के मतलब हट जाने का मामला है या एक्टिव पॉलिटिक्स से अब दूर जाने का मामला है, तो जाहिर सी बात है अगर जो रिश्ते खराब रहे हैं तो उनके लिए रिलीफ का मौका है। लेकिन हाल के वर्षों, पिछले 4 वर्षों से जिस तरह से रघुवर दास आपको पता है मुख्यमंत्री से पद गंवाने के बाद या फिर विधायकी गंवाने के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में थे भी नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे, गाहे बगाहे किसी विषय पर वो बात करते थे, तो जाहिर सी बात है वो अब रिश्ता रहा भी नहीं था। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये जो टफ स्टैंड लेने की वजह से रघुवर दास का ये जो गठबंधन था वो टूटा और दोनों दलों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा कि दोनों ही दल आज जो है सत्ता से बाहर हैं। तो जाहिर सी बात है सुदेश महतो उन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, कहते हैं कि जब वक्त हो तभी उन चीज़ों को बोलना चाहिए। अभी चूंकि विदाई का उनका मौका था तो जाहिर सी बात है उन्होंने उसी अंदाज में बातें कही हैं, लेकिन राजनीति में जो फेसियल एक्सप्रेशन है, जो आपका हाव भाव है, वो बहुत कुछ बता देता है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।